फोक्सवैगन ने लॉन्च की है नई जेटा, आइए मैं आपको दिखाता हूँ कुछ उसके इंटरनल और एक्सटर्नल फीचर। आइए सबसे पहले हम देखते हैं इसका फ्रंट। फ्रंट में इसके आ जाती है एलईडी लाइट्स जो कि इसके बहुत ही रेवोल्यूशनरी लुक देती है। देन इसके अंदर आ जाती है अपनी बाइजनल लाइट्स। बाइजनल लाइट्स उनसे आपके लुक्स को बहुत ज्यादा एनहेंस करती है। देन अगेन नाइट के टाइम पे विजिबिलिटी क्लियर रहती है। फ्रंट सेंसर्स आ जाते हैं इसके अंदर गाड़ी के अंदर। फ्रंट सेंसर का वर्क करने के लिए इट्स अ वेरी गुड फीचर फॉर द जेटा। डेलाइट वॉशर आ जाते हैं। समटाइम हम रेनी सीजन के अंदर जाते हैं, रेनी सीजन के अंदर जाने से हमारी लाइट्स के ऊपर मड आ जाती है। मड आने के करके हम इसको वॉश भी कर सकते हैं। अगेन आप इसके लार्जर एयर डैम्स देखिए। एयर डैम्स वन ऑफ द बेस्ट फीचर ये रहता है कि सबसे पहले अगर जितनी भी गाड़ी के अंदर एयर कूलिंग होगी वो इसके थ्रू आउट ही होगी। वन ऑफ द बेस्ट इन VW लोगो अपने आप में अपनी पहचान है। फ्रंट में इसके कॉर्निंग लैंप आते हैं। कॉर्निंग लैंप का वन ऑफ द बेस्ट फीचर ये रहता है कि रात के टाइम में हमारी विजिबिलिटी अच्छी होती है। जिस साइड का हम इंडिकेटर देते हैं, सपोज अगर हमने राइट साइड का इंडिकेटर दिया तो राइट साइड में इंडिकेटर होने के करके इसका कॉर्निंग लैंप ऑन हो जाता है, यानी आपके साइड जो सा व्यू है वो बहुत ज्यादा क्लियर हो जाता है और ज्यादा बेहतर विजिबिलिटी रहती है। समटाइम्स क्या होता है कि साइड में हम मुड़ रहे होते हैं, गली के अंदर मुड़ रहे होते हैं, किसी रोड के किनारे से मुड़ रहे होते हैं, उसके अंदर साइड में स्टोन पड़ा होता है, कुछ भी पड़ा होता है, उससे क्या होता है हमारी गाड़ी अगर हम टर्न कर रहे हैं तो नीचे साइड से लग जाती है कई बार। उस चीज को प्रिवेंट करने के लिए फोक्सवैगन जेटा के अंदर कॉर्निंग लैंप दिया गया है जिससे आपकी विजिबिलिटी क्लियर रहती है। क्या देखते हैं इसको और करीब से। जो सर नीचे वाला है ये तो है आपका टर्निंग इंडिकेटर, ऊपर वाला जो सर दैट इज अ कॉर्निंग लैंप। इसको देखते हैं हम साइड से एक बार। टायर साइज के बारे में बात करते हैं। इसका टायर साइज है वो है 205/55/16, यानी 16 इंच का टायर आता है इसके अंदर। अगेन इसके अंदर ORVMs, इलेक्ट्रॉनिक फुल ORVMs आते हैं विद हीट ऑब्जर्विंग ग्लासेस। अगेन वी आर गिविंग द लेजर वेल्डिंग टेक्नोलॉजी। इसका मतलब है कि यू कैन से द सेफेस्ट कार। अगेन इसमें पिंच कार आ जाता है, ग्रीन टिंटेड ग्लासेस आ जाते हैं, एंटी प्रोपल्शन वारंटी आ जाती है इसके अंदर। जैसे कि हम रात के टाइम पे गाड़ी ड्राइव कर रहे होते हैं, रफ रोड पे गाड़ी ड्राइव कर रहे हो तो उस मोमेंट पे क्या होता है कि स्टोन्स होते हैं, स्टोन्स होने के करके क्या होता है रफ रोड पैकेज होता है। रफ रोड होने का वन ऑफ द बेस्ट फीचर ये रहता है कि जब पत्थर होता है, पत्थर आपकी गाड़ी के साथ टच होता है तो हमारे यहाँ पे स्क्रैचेस पड़ जाते हैं। इसका यहाँ पे एंटी रफ रोड पैकेज भी दिया हुआ है इसके अंदर। 3 ईयर्स की पेंट वारंटी, 6 ईयर्स की एंटी रस्ट वारंटी आती है इस गाड़ी के साथ। आइए मैं आपको इसका बैक फुट भी दिखाता हूँ, आपको इस गाड़ी को पीछे की तरफ से दिखाता हूँ। इस गाड़ी का कंपैरिजन सी सेगमेंट की गाड़ियों के साथ होता है बिकॉज ये भी गाड़ी सी सेगमेंट में आती है। फर्स्ट ऑफ ऑल आप इसकी टेल लाइट्स देखिए, जेटा की टेल लाइट्स, इसकी टेल लाइट्स और ऑडी A3 की टेल लाइट्स आपस में बहुत ही ज्यादा कंपैरेटिव मैच करती है जो कि गाड़ी को पॉश लुक देती है। इवन अगर आप इसका रिवर्स बंपर देखेंगे, इसका रिवर्स बंपर और ऑडी A3 का बंपर जो है वो ऑलमोस्ट सेम रहेगा। आपको इसका मैं बूट स्पेस दिखाना चाहता हूँ। दिस इज द बूट स्पेस, 520 लीटर्स का बूट स्पेस। अगर आप अपनी सीट्स फोल्ड करना चाहते हैं, ये हुक्स को हम पीछे प्रेस करके इसकी सीट्स को फोल्ड कर सकते हैं। जैसे हमने कोई सामान रखना होता है, कुछ लंबे चीजें रखनी होती है, कुछ भी रखना होता है तो आप इसके अंदर पूरा प्रॉपर वे में रख सकते हैं। अगेन आप इसको ग्रैब हैंडल्स दिए होते हैं, ग्रैब हैंडल्स के साथ साथ इसको डोर क्लोज करने के लिए भी हैंडल्स दिए हुए हैं। आप इसको यहाँ से इजिली प्रेस करके आप इसको वन टच पर बंद कर सकते हैं लाइक इन दिस वन। आइए अब आपको दिखा दो गाड़ी के अंदर से फीचर एंड फंक्शंस। आइए All 4 power windows, one touch up and down with having a pinch card facility. Again, यहाँ से आप अपना boot space open कर सकते हैं। यहाँ से आप अपना rear view mirror से उसका बंद भी कर सकते हैं, rear के adjustment कर सकते हैं, जैसे भी आप करना चाहते हैं, जैसे भी adjustment करना चाहते हैं। Again, अगर आप इसको hot, अगर आपके बारिशों के मौसम में, जैसे अगर आपका mirror होता है, mirror के अंदर यहाँ पे fog हो जाती है, fog आप भी हटा सकते हो। Fog को हटाने के लिए हम इसको इस बटन को यहाँ पे कर सकते हैं जिससे इसकी fog हट जाती है। इसकी सीट सोल्स क्या थी वो कैसे आती है, 12 सीट एडजस्टमेंट इलेक्ट्रॉनिक में। आप इसको अप एंड डाउन कर सकते हो जैसे भी करना चाहते हो। पीछे वाली सीट को अगर आप जैसे एडजस्ट करना चाहते हो उसको कर सकते हो। वन ऑफ द बेस्ट फीचर इसमें आता है वो है लंबर स्पोर्ट, आप इसको लंबर स्पोर्ट के अंदर भी यूज कर सकते हो। जब इसमें आता है टिल्टिंग टेलीस्कोपिक, आप इसको हुक को नीचे कर सकते हैं अप एंड डाउन और इसको आप बाहर भी पुल कर सकते हो। दोनों वे में आपको इसकी सीट की एडजस्टमेंट हो जाती है। जेटा के अंदर टिल्ट एंड टेलीस्कोपिक स्टीयरिंग आता है जो कि आप इसको ऐसे एडजस्ट कर सकते हो अप एंड डाउन। इसको अगर बाहर निकालना चाहते हो तो आप बाहर भी निकाल सकते हो, अकॉर्डिंग टू योर हाइट आप इसको एडजस्ट कर सकते हो। लॉन्ग ड्राइव में क्या होता है कई बार हम इसको एडजस्ट करते हैं, हमें सिर्फ ऑटोमेटिक गाड़ी होती है तो हमें सिर्फ क्लच प्रेस करने की जरूरत नहीं होती, हमें आराम से ड्राइव करनी होती है। एट दैट मोमेंट आप अपनी सीट को पीछे कर सकते हो,
और कंफर्ट वे में अपनी सीट को बनाने के लिए आप इसको नीचे कर सकते हो, इसको आप और पीछे करना चाहते हो और पीछे कर सकते हो, जितना आप करना चाहते हो एडजस्टमेंट आप उसके अकॉर्डिंग एडजस्ट कर सकते हो इसको। आइए मैं आपको गाड़ी के अंदर से भी फीचर और फंक्शंस कंफर्म कर देता हूँ। आ गए हैं गाड़ी के अंदर। सबसे पहले आपको दिखाना चाहूंगा DSG गियरबॉक्स। ये है 6th DSG गियरबॉक्स जो कि वर्ल्ड वाइड सबसे बेस्ट गियरबॉक्स माना जाता है। इसके अंदर आप इसको पी से पार्किंग में आ जाती है। अगर आप गाड़ी को ड्राइव करना चाहते हैं, पार्किंग का बेनिफिट ये रहता है कि ये गाड़ी आगे पीछे नहीं होगी आपकी। आपने जब इसको लीवर को पार्किंग में कर दिया, इसके बाद ये गाड़ी हिलेगी भी नहीं। इसको अगर आपने रिवर्स करना है तो हम इसको प्रेस करके रिवर्स में भी ला सकते हैं। आइए मैं आपको करके दिखा देता हूँ एक बार। ये रिवर्स में आ गई है। रिवर्स में आप गाड़ी पीछे करेंगे तो आपका सेंसर्स भी बने हुए आ जाते हैं, ऑप्टिकल आ जाता है। आपका जो भी पीछे होगा, कुछ भी साइड्स में होगा, आपको सारे का सारा व्यू यहाँ पे क्लियर हो जाएगा। इट विल बी वर्क लाइक अ कैमरा। अगर इसके बाद हम इसको न्यूट्रल में कर सकते हैं, जैसे हम किसी रेड लाइट में खड़े हैं तो हमने गाड़ी को स्टॉप करना है, जरूरी नहीं है कि हम इसको पार्किंग पे लेके जाएं। आप अपना गियर का इसको पार्किंग पे लाने के बजाय इसको न्यूट्रल पे लाके आप अपना ब्रेक का बटन प्रेस करके रख सकते हैं और गाड़ी आपका स्टॉप रहेगी। गाड़ी को अगर आपने मूव ऑन करना है, मूव ऑन करने के लिए हम इसको क्लच को इसको प्रेस करके हम डी पे लेके आएंगे। डी पे हम जैसे ही लेके आएंगे इसको, तो आप ये फील कीजिएगा कि गाड़ी अपने आप ऑटोमेटिक आप छोड़ेंगे तो अपने आप आगे निकल जाएगी। इसके बाद इसके अंदर वन ऑफ द बेस्ट फीचर आता है स्पोर्ट्स मोड। स्पोर्ट्स मोड हम जो कि है वो लोकल एरिया में यूज़ नहीं करते, ये सिर्फ हाईवे के लिए ही ड्राइव होती है स्पोर्ट्स मोड। स्पोर्ट्स मोड में गाड़ी जाने के बाद इसका आरपीएम चेंज हो जाते हैं। आरपीएम चेंज होने के बाद आपका थ्रस्ट, आपको जो पावर, आपको जो पिकअप, जो भी चाहिए होता है वो इसके अंदर एवरीथिंग मिलता है। यानी अगर जैसे हम हाईवे पे ड्राइव कर रहे हैं, हाईवे पे ड्राइव करते हैं तो कोई हमें क्रॉस करके जाता है तो हमें ये माइंड में आता है कि यस वी हैव टू क्रॉस इट। क्रॉस करना होता है हमें, हम क्रॉस करने के लिए इसको हम स्पोर्ट्स मोड में डाल के हम इसको स्पोर्ट्स मोड में क्रॉस कर सकते हैं। सबसे पहले बात करते हैं इसके डैशबोर्ड की। डैशबोर्ड देखिए विद वुडन पैनल आ जाता है। दिस इज द ग्लव बॉक्स। ग्लव बॉक्स के अंदर आपका चिल्ड ग्लव बॉक्स विद आईफोन चार्जर। अगर आप मोबाइल चार्ज करना चाहते हैं 5, 5+, 6, 6+ आप चार्ज करना चाहते हैं, आप उस चार्ज कर सकते हैं। इसके साथ साथ वन ऑफ द बेस्ट फीचर इसके अंदर ये रहता है कि अगर आप को ड्राइवर साइड का अगर एयरबैग बंद करना चाहते हैं तो आप इसको यहाँ से एयरबैग बंद भी कर सकते हैं। यहाँ पे आप अपनी की कर सकते हैं, की को आप राउंड अबाउट कीजिए, यहाँ पे ऑफ आ गया। अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो आपको कंफर्मेशन भी आ जाएगी कि एयर पैसेंजर जो है वो बंद है। बंद होने की वजह से आपको ये जो को ड्राइवर साइड का एयरबैग है वो वर्क नहीं करेगा कभी भी, आपके सिर्फ ड्राइवर साइड के ही एयरबैग्स वर्क करेंगे। अगेन इसके एसी वेंट्स देखिए कितने अच्छे एनहेंस कर रहे हैं लुक्स को गाड़ी की। इसके अंदर टच म्यूजिक सिस्टम आ जाता है आपका विद मीडिया प्लेयर। फोन आप इसको अटैच कर सकते हो, ब्लूटूथ के साथ अटैच कर सकते हो। अगेन इसके अंदर ड्यूल टोन आपके एसी आ जाते हैं। अगर जैसे ड्राइवर है, ड्राइवर को अपने अकॉर्डिंगली कूलिंग करनी है तो आप उसके अकॉर्डिंगली कर सकते हैं। अगर आप को ड्राइवर के साइड में करना चाहते हैं तो को ड्राइवर को अपने अकॉर्डिंगली कूलिंग कर सकते हैं इसके अंदर यहाँ से बंद करके। आइए मैं आपको इसको स्टीयरिंग दिखाता हूँ। स्टीयरिंग देखिए इसका कितना अच्छा स्टीयरिंग है। स्पोर्ट्स वे में स्टीयरिंग है, नीचे से फ्लैट है, यानी आपको एक स्पोर्ट्स फील देती है गाड़ी। स्पोर्ट्स फील देने का साथ साथ आप इसके यहाँ पे देखिए पैडल शिफ्टिंग भी दिए हुए हैं गाड़ी के अंदर। दीज आर द पैडल शिफ्टिंग जो कि गाड़ी के अंदर और अच्छा हमें लुक्स के लिए करती है, प्लस आपको स्पीड देती है, क्रेज देती है। अगेन दिस टू फंक्शन आप होते मल्टी फंक्शन डिस्प्ले। अगर देखिए अगर इसको मैं अप एंड डाउन करता हूँ तो इसके अंदर सारे के सारे फीचर फंक्शन कन्फर्म हो जाते हैं जो कि हमारे मल्टी फंक्शन डिस्प्ले होती है। मल्टी फंक्शन डिस्प्ले के अंदर हमारे 11 वे डिस्प्ले आती है। फोन अगर आपका ब्लूटूथ से अगर आपने फोन कंपेयर किया हुआ है, फोन पेयर करने के बाद आप यहाँ से डायरेक्टली कॉल पिक कर सकते हो, कॉल यहाँ से ड्रॉप भी कर सकते हैं। वॉइस कंट्रोल आ जाता है, आप अपना फोन हैंडसेट अगर हमारा कंपैटिबल होता है तो आपका वॉइस कंट्रोल भी आप वर्क कर सकते हैं। फोल्डर्स चेंज करने के लिए आप इधर से कर सकते हैं। नई जेटा के अंदर जो सा नया फीचर एड ऑन हुआ है वो है आपका क्रूज कंट्रोल। क्रूज कंट्रोल एज आप सारों को पता ही है क्रूज कंट्रोल हम कैसे यूज करते हैं। क्रूज कंट्रोल के अंदर आप यहाँ पे सेट कीजिए अपनी स्पीड और आप अपनी ड्राइव को एंजॉय कर सकते हैं। सिर्फ आपके इंडिकेटर्स आ जाते हैं, इंडिकेटर नॉर्मल इंडिकेटर प्लस लेन चेंज इंडिकेटर। बिकॉज आप एक बार इसको ब्लिंक कीजिए 1, 2, 3 तीन बार ये ब्लिंक होगा और आप अपनी गाड़ी को अपनी लेन चेंज कर सकते हैं। अनदर वे आपके राइट हैंड साइड में जो आ जाते हैं वो आपके वाइपर्स आ जाते हैं। वाइपर्स के लिए भी आप यहीं से इसको यूज कर सकते हो। अगर आप इसको वाइपर यूज कर रहे हैं, आपको डे लाइट भी यूज करनी है तो डे लाइट वॉशर भी आपके यहीं से ही यूज होते हैं। सनशेड भी आ जाते हैं। सनशेड का बेनिफिट रहता है कि आप धूप से बचते हैं। धूप से बचने के अलावा अगर रात के टाइम हमने जैसे मैरिज पार्टीज में जाना होता है, कई फंक्शंस में जाना होता है, गर्मी होती है, हम कई बार डस्ट हमारे फेस पे आ जाती है तो हम इसको साइड में अगर अपना फेस देखना चाहेंगे तो आप मिरर में अपना फेस को देख सकते हैं। प्लस आपकी लाइट ऑन हो जाती है। लाइट होने से आपका जो सा आप पूरा प्रॉपर वे में तैयार हो सकते हैं। अगेन आप इसको यहाँ से बंद कीजिए, इसको ऊपर फोल्ड कर सकते हैं।
यहाँ पे ग्लेयर्स के लिए रखने के लिए आ जाता है, बिकॉज हमारे सबसे बेस्ट ये होता है कि हमने ग्लेयर्स रखने होते हैं तो हम ग्लेयर्स कहीं पे भी रख देते हैं। ग्लेयर्स रखने से ये होता है कि कहीं पर इधर उधर हो जाता है, स्क्रैचेस पड़ जाते हैं जो कि बहुत ही प्रॉब्लम क्रिएट करती है। आप अपना ग्लेयर इसके अंदर फिट कर सकते हैं लाइक इन दिस वे, आप इसके अंदर फिट कीजिए, आप इसको बंद कर दीजिए, ये बंद हो जाता है आपका। इसलिए गाड़ी के अंदर आपको लेदराइट स्टेयरिंग कवर मिलेगा, लेदराइट सीट्स मिलेंगी आपकी, लेदराइट आपका हैंड होल्ड मिलेगा। अगेन आप इसके अंदर यहाँ पे अपना कुछ भी सामान रखना चाहते हैं तो आप इसके अंदर सामान भी रख सकते हैं ग्लव बॉक्स के अंदर। इसके साथ आप इसको अपनी हाइट के अकॉर्डिंगली एडजस्ट कर सकते हो थ्री वे में। सपोज अगर आपको इसको आगे करना है तो आप इसको शिफ्ट करके आगे भी कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पे आपका हाथ जो है पूरा प्रॉपर वे में आता है। देखिए इसको हम अपनी हाइट के अकॉर्डिंगली एडजस्ट कर सकते हैं, जैसे भी आप एडजस्ट करना चाहते हैं इसको उस वे में एडजस्ट कर सकते हो। ये थ्री वे में एडजस्ट हो जाती है, आप जहाँ पे रुकना चाहते हैं इसको वहाँ पे रुक जाता है लाइक इन दिस वे, यहाँ पे रुकेगा। अपना हाथ रख के आप इजली वे में ड्राइव कर सकते हैं गाड़ी, यहाँ से आपको कम्फर्ट वे में मिलता है। इस गाड़ी में पीछे के लिए रियर एसी वेंट भी आते हैं, रियर एसी वेंट जो पीछे को ड्राइवर बैठे को पैसेंजर बैठा होता है उसको पूरा प्रॉपर में कूलिंग मिलती है। रियर आर्मरेस्ट आ जाता है इसके अंदर, रियर आर्मरेस्ट विद कप होल्डिंग आ जाता है इसके अंदर। आप अगर अपने ग्लव अपने बूट स्पेस में से अगर कोई सामान भी निकालना है तो आप इसलिए उसको भी यूज कर सकते हो इजली वे में। पीछे के लिए ट्रिम लाइट्स आ जाती हैं आपकी, ट्रिम लाइट्स के लिए ये होता है जब आप डोर ओपन करते हो तो ट्रिम लाइट्स ऑटोमेटिकली ऑन हो जाती है इसकी, चाहे तो इसको ऑन ऑफ भी कर सकते हैं यहाँ से। इसका बटन दिया होता है, आप इसको वन वे में बंद करना है, टू वे में बंद करना है, अगर आपको ऊपर डिपेंड करता है, अगर आप दोनों ऑन करना चाहते हो तो आप दोनों भी ऑन कर सकते हो इसके लाइक इन दिस वे ऑन हो जाती है। वैगन जेटा के अंदर आते हैं 6 एयरबैग, एबीएस, एबीडी, एएसआर, ईएलडी, देन फटीग डिडक्शन इज देयर। फटीग डिडक्शन का वन ऑफ द बेस्ट फीचर ये रहता है कि हम जब भी गाड़ी रिवर्स गियर में डालते हैं, रिवर्स गियर के अंदर डालने के बाद आपका साइड व्यू मिरर जो है वो ऑटोमेटिकली एडजस्ट हो जाता है। वैगन जेटा आती है 5 कलर में, फर्स्ट प्योर व्हाइट, रिफ्लेक्स सिल्वर, चॉकी ब्राउन, सिल्क ब्लू, डीप ब्लैक। आइए देखते हैं नई जेटा का इंजन। यह है 2000cc विद 140 bhp TDI इंजन। TDI इंजन आपको पता ही है कि डीजल में यूज होता है हमारा TDI इंजन विद 6 स्पीड DSG गियरबॉक्स। 2 इयर्स अनलिमिटेड किलोमीटर गाड़ी पे वारंटी आती है। अगेन आप इसको एक्सटेंड करना चाहते हो तो एक्सटेंड भी कर सकते हैं, 4 इयर्स अप टू 1 लाख किलोमीटर, यानी 2+2 हो जाती है आपकी अप टू 1 लाख किलोमीटर। पूरे प्रॉपर वे में देखिए कितना अच्छा कारपेट में ये पैक हुई हुई है गाड़ी। गाड़ी के अंदर क्रम्पल जोन आते हैं, क्रम्पल जोन का बेनिफिट ये रहता है अगर आपकी गाड़ी आगे से हिट होती है तो आपका ऊपर का बोनट है वो आपके विंडस्क्रीन पे नहीं आता। तो लेके चलते हैं गाड़ी के पीछे वाली सीट पे और देखते हैं सीटिंग कैपेसिटी। आइए देखते हैं अगर 6 फीट प्लस कोई टॉल बॉय इस गाड़ी के पीछे वाली सीट पे बैठता है तो उनका कंफर्ट लेवल किस टाइप में रहेगा। देखिए इनका हेडरूम बहुत अच्छा है, बहुत कंफर्टेबल वे में है। अगर आप लेग स्पेस देखेंगे तो लेग स्पेस भी बहुत कंफर्टेबल वे में पे है। गाड़ी बहुत ही स्पेशियस है, बहुत ही एप्रोप्रिएट है अपनी सेगमेंट के अंदर। आप 14 लाख से लेकर 21 लाख तक की कोई गाड़ी देख रहे हैं तो उसके लिए ये बहुत ही सूटेबल गाड़ी है। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये रिव्यू बहुत पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो आप इसको लाइक करना मत भूलेगा, चैनल न्यूज़ टुडे लाइव को सब्सक्राइब करना ना भूलेगा, और जितने मैक्सिमम टू मैक्सिमम लाइक्स हो सकते हैं आप लाइक्स दीजिए, अच्छे कमेंट्स करने मत भूलिएगा प्लीज़। थैंक यू।